गाइस वेलकम टू कार बाइक 360, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ में है टोयोटा हाइलक्स और ये ऑटो एक्सपो में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑफ रोड व्हीकल बनाई गई है, रिप्रेजेंट की गई है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। बड़े कॉमन फीचर्स जो है वो आपको मैं यहाँ पे पहले शेयर करूँगा कि क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं जो इसमें एंड मॉडिफाइड में कॉमन है, और जो आप स्टैंडर्ड वेरियंट लोगे यानी कि नॉन मॉडिफाइड वेरियंट लोगे वो वेरियंट में क्या क्या यहाँ पे आपके पास में ऑफर्स अवेलेबल हैं टोयोटा की तरफ से। सो दोस्तों, सबसे पहले डायमेंशन के बारे में बात करें, 5.3 मीटर्स की जो है वो गाड़ी है। ओवरऑल विड्थ 1.8 मीटर की यहाँ पे रहती है, ओवरऑल हाइट भी जो है 1.8 मीटर की है। तो कमाल की डायमेंशंस है, यू वोंट बिलीव इट इज हैविंग अ व्हील बेस ऑफ 3 मीटर्स है। फ्यूल टैंक जो है वो 80 लीटर्स का ऑफर किया गया है। तो टर्निंग रेडियस इसका 6.4 मीटर का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ऑलमोस्ट 3 टन की गाड़ी है और एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे आता है जो कि डबल विशबोन सस्पेंशन के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। और रियर सस्पेंशन यहाँ पर ली स्प्रिंग रिजिड एक्सल सस्पेंशन लिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, 7 एयर बैग्स एंड ABS आते हैं। अब ये गाड़ी जो है वो ऑफ रोड व्हीकल है, तो ऑफ रोड के तौर पर क्या क्या आता है, टफ फ्रेम विद एक्सेप्शनल टॉर्शनल एंड बेंडिंग रिजिडिटी, 4 व्हील ड्राइव विद हाई H4 एंड लो L4 रेंज, DAC यानी कि डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ATRC यानी कि एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव 2 व्हील ड्राइव में एंड 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, एंड इसका जो अप्रोच एंगल है वो 0.51 रेडियन है। और इसको अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो आई बिलीव समवेयर अराउंड 28-30 डिग्रीज के आसपास आना चाहिए। और डिपार्चर एंगल जो है वो 0.46 रेडियन है। सो दोस्तों, टोयोटा हाइलक्स की बैजिंग आप इसके साइड प्रोफाइल पे देखेंगे, और जो ORVM है ना, ये देखिए वो ORVM इसको एक्सटेंड किया गया है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल ORVM, वहाँ से इसके एक्सटेंशन जो किया हुआ है ताकि ये और भी पीछे का जो है वो व्यू यहाँ पर थ्रो कर सके। साइड प्रोफाइल में आप और देखिए, विंडो पैनल पे जो हैंडल बार है ना, उनको ब्लैकआउट किया गया है, उनके चारों तरफ जो है वो आप यहाँ पर पार्ट्स देखेंगे, एसेसरीज़ पार्ट है। नीचे भी जो है वो एक ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा यहाँ पर एड ऑन इस्तेमाल किया गया, मेटालिक एड ऑन ही है ये, ताकि जब भी आप ऑफ रोड करें तो ये नीचे से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, उसकी हाइट भी आपको ज़्यादा ना लगे क्योंकि टायर्स जो हैं वो काफ़ी अपग्रेड किए गए हैं। ये देखिए, ये RT टायर्स हैं और रडार इनके मैनुफैक्चर का नाम है, आई कैन नॉट इवन रीड द टायर साइज क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र एक्चुअली नहीं आ रहा है, मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितने बड़े ये टायर्स हैं। बहुत ही मैसिव टायर्स हैं, दीज आर नॉट रेगुलर टायर्स, हो सकता है मार्केट में आपको बहुत ईजिली ये टायर्स शायद ना भी मिले। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो दीज आर द रेगुलर LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर सेटअप जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर यूनिट के साथ में। बट ये जो बुलबार अलग से लगा हुआ है, ये ऑफ रोड कैपेबल बुलबार्स हैं और ये तभी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपका बम्पर प्रोटेक्शन यहाँ पर बचा रहे, ये बम्पर को हटा कर ये एक्स्ट्रा बुलबार जो है वो यहाँ पर लगाया गया। बट इस बुलबार की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको जो है वो सेंसर्स भी फ्रंट के मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पर जो है वो मिल रहा है ये, यानी ये क्या है, ये है LED DRL, आप इसको समझ सकते हैं। एक अगेन लाइट आपको मिलती है, LED लाइट, मेन लाइट आपके पास में अवेलेबल है, और यहाँ पर जो है वो हॉक्स की, नाइट हॉक्स की जो है वो बड़ी सी 2 LEDs लगाई गई हैं, ताकि अगर आप किसी ऐसे एरिया में चल रहे हैं जहाँ पर लाइट्स का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पर जो है वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बिलीव दिस इज 12 वोल्ट, यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा कोड दी गई है, नॉट 12 वोल्ट, यहाँ पर टोयोटा का लोगो, और आगे जो है वो अगेन छोटी सी स्ट्रिप दी गई है एक LED बार की। नीचे से अगर आप देखेंगे तो टोइंग पोर्शन रखा गया है, ये जो है टोइंग रेंज कॉर्ड जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है, और यहाँ पे एक वार्निंग भी दिया गया है कि ये रिकवरी पॉइंट्स हैं। टोइंग के लिए भी 2 जो है वो आपको टोइंग हुक्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, और 2 हुक जो है वो आगे भी ऑफर किए गए हैं। अगेन बहुत ही मस्कुलाइन लग रही है ये, बहुत ही अट्रैक्टिव अपील कर रही है, मतलब अगर ये इस तरीके का व्हीकल जो है वो काफ़ी क्लोज है किसी भी, मैं कह सकता हूँ मॉन्स्टर ट्रक के, बहुत क्लोज यहाँ पर है। ये देखिए स्नॉर्कल भी जो है वो यहाँ से आपको ऊपर उठता हुआ नज़र आएगा, ऊपर जो है वो टैंक्स दिए गए हैं, फ्यूल टैंक रखे गए हैं ताकि आप एक्स्ट्रा सामान भी वहाँ पर रख सकें। एंड क्योंकि ये एक ऑफ रोड व्हीकल है तो वहाँ पर देखिए सैंड को खोदने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा सॉ यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ग्राफिकल डिज़ाइंस, ग्राफिकल एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर। सो दिस इज़ टोयोटा हाइलक्स फॉर यू, काफ़ी ऑफ रोड व्हीकल ये जो है वो मानी जाती है। एंड पिकअप ट्रक का ज़माना इंडिया में धीरे धीरे वो कल्चर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, वो लोग जो इसको ख़रीदना चाहते हैं डेफिनेटली कैन गो, बट मेरे ख्याल में प्राइसेस थोड़े से इसके ज़्यादा हाई हैं,
और कम्पिटिटिवली अगर हम Isuzu D-Max V-Cross के बारे में बात करें तो आप अच्छे खासे पैनी जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर उसके साथ में जाते हैं। हाईलैक्स ऑन द अदर एंड हैव मिनी फीचर्स जो एक्चुअली मिस आउट है Isuzu D-Max V-Cross में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले, एक्सेल अंडर फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।